दोनों हाथ उठाना और जे तू पे गया, जे तू पे गया, जे तू पे गया पंजाबिया के पल्ले, ओ बाबा तेरी बल्ले है बल्ले। क्या बात है, ओ जे तू पे गया पंजाबिया के पल्ले, बाबा तेरी बल्ले है बल्ले। ओ बल्ले, शर्म करता है, मौका बार बार नहीं मिलेगा। पता नहीं अलका शर्मा दोबारा यहाँ आए नहीं आए, दोबारा ऐसा आनंद मिले ना मिले, हो सकता है इससे अच्छा आनंद मिल सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहती, क्योंकि आज का मौका अगर कोई छूट गया तो फिर, इसलिए मैं तो ऐसे भैया अगर मैं गाती नहीं तो अभी तो नाचती होती। बाकी आप लोग कम से कम एक बार खड़े हो जाओ और बाकी के दोनों हाथ उठा के ताली के साथ में 1 2 3 4। सरदार जी बोले सावरिया, इतने तू खाता सी खीर चूरमो, सावरिया इतने तू खाता सी खीर चूरमो, मतलब यहाँ तो आप केवल खीर चूरमा ही खीर चूरमा खाते हो और क्या, मीठा लड्डू जाने क्या क्या मीठा ही मीठा सावरिया को खिलाते हैं। सरदार जी कह रहे हैं बाबा, इतने तू खाता सी खीर चूरमो, इतने तू खाता सी खीर चूरमो, खीर चूरमो, इतने तू खाता सी खीर चूरमो, इतने तू खाता सी खीर चूरमो। आगे की लाइन गाऊं? अब सरदार जी बोलते हैं जरा ताली के साथ में, ओ पापा उठे पंजाब में, बाबा उठे, हो बाबा उठे खिलावा दही बल्ले, हो बाबा तेरी बल्ले है बल्ले, उठे खिलावा दही बल्ले, बाबा तेरी बल्ले है बल्ले। जे तू पै गया, ओ जे तू पै गया, जे तू पै गया पंजाबिया दे बल्ले, बाबा तेरी बल्ले है बल्ले। सरदार बोले कि कन्हैया तू ही मेरी किस्मत की चाबी है। क्या बोले कि तू ही तो है कान्हा साडे किस्मत री चाबी। कौन कौन मानते हैं कि भगवान के दरबार में किस्मत से जो किस्मत का बंद ताला होता है वो खुल जाता है? कौन कौन मानते हैं भगवान के आगे सर झुकाने से किस्मत खुलती है कि नहीं खुलती है? भैया जरा हाथ उड़ा के ताली।
किस्मत रीचा भी साथे किस्मत रीचा भी थोड़ी थोड़ी ताली बजे, आवाज नहीं आई भैया, एक साथ। और जो ताली नहीं बजा रहे हैं, हे भगवान हाथ उठाओ। ऐसी चाबी में पीछे वाले, ऐसी चाबी में, ऐसी चाबी में, ऐसी चाबी में लग जाए छल्ले, ओ बाबा तेरी बल्ले है बल्ले। भाषा में कह सकते हैं, कोई मारवाड़ी में कहता है तो कोई राजस्थानी में, कोई हिंदी में तो कोई पंजाबी में, लेकिन प्रभु से प्रेम सब करते हैं। और मैं भी बहुत प्रेम करती हूँ, क्योंकि मेरो कान्हा मेरो कान्हा मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम तली मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम कली। मंच है जिस पर मैंने ये दो लाइन नहीं गाई हो, क्योंकि मेरी शायद हर भजन संध्या के अंदर या हर कथा के अंदर या हर दरबार के अंदर मैं दो लाइन जरूर गाती हूँ। अभी तक जितने भी भजन मैंने गाए हैं शायद आप सबके लिए गाए होंगे, लेकिन अब ये जो दो लाइन गा रही हूँ मैं, ये मेरे उस ठाकुर के लिए गा रही हूँ जो मुझे भोजन देता है, जीने के लिए देता है, खाने के लिए, हंसने के लिए, गाने के लिए, रोने के लिए, जो मुझे देता है मैं उसके लिए गा रही हूँ। तो क्या आप लोग तालियां बजाएंगे एक बार, दोनों हाथ उठाकर बली बाकी बिहारी लाल की, और मिलकर कहेंगे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी